नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्रश्न में। कैसे हैं सभी और कैसे चल रही है आप सभी की तैयारी? एएनएम की वैकेंसी आने के बाद एक बहुत बड़ा प्रश्न सारे जो देवियां हैं, सारे जो एएनएम के अभ्यर्थी हैं, लगातार पूछ रही हैं कि सर ये बता दीजिए कि एएनएम का कट ऑफ कितना गया था और इस बार क्या सेफ स्कोर मान के चले, कितनी तैयारी करें कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। देखिए, बहुत सारी बातें हैं कहने को, बहुत सारे आयाम हैं, बहुत सारे डायमेंशन हैं, जिसको दिमाग में रखते हुए हम इस चीज को क्लियर करेंगे कि आखिर क्या कट ऑफ जा सकता है, इस बार लगभग कितने नंबर ऑफ संख्या में फॉर्म आ सकते हैं, कब से आपके फॉर्म चालू हैं और कितनी तैयारी आपको करनी है, ये सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में यहाँ पे देखने वाले हैं। अगर आप चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और एएनएम की तैयारी टीम परीक्षा प्लस के साथ जुड़ के अपनी बहुत बेहतरीन तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, ताकि आपकी गारंटीड सिलेक्शन के लिए आप बोल सके कि हाँ भाई हम परीक्षा प्लस से जुड़े हैं तो हमारा सिलेक्शन निश्चित रूप से होना है। आते हैं हम लोग बात करते हैं एएनएम की कट ऑफ के बारे में, क्या सेफ स्कोर है। इस बार 5272 वैकेंसी है, कट ऑफ पिछली बार का क्या था, इस बार कट ऑफ क्या हो सकता है, सेफ स्कोर क्या हो सकता है, इन सब के बारे में हम लोग जानते हैं। यहाँ पे आपने थंबनेल में देखा होगा कि 100 में केवल 3 नंबर लाने से क्या सिलेक्शन हो जाता है, ऐसा कुछ पिछले बार का रिकॉर्ड कह रहा है कि 100 में 3 नंबर में सिलेक्शन हो गया था, लेकिन किस कैटेगरी का हुआ था ये भी देखते हैं कि ऐसी कैटेगरी का सिलेक्शन हुआ जो बोला जाता है अक्सर कट ऑफ हाई जाता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे आप समझने का प्रयास करिएगा, आप एक ऐसी वैकेंसी की तैयारी कर रही हैं जहां पे केवल और केवल क्या है, फीमेल है, केवल और केवल क्या है, महिला है। और फीमेल ही नहीं, सबसे बड़ी बात है यहाँ पे वही आवेदन कर सकते हैं जिनके पास एएनएम के क्या है सर्टिफिकेट है 1.5 से 2 साल का, जिनके पास क्या है इससे संबंधित डिप्लोमा सर्टिफिकेट है, वही इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तीसरी बात, इसमें एक फिल्टर लग रहा है पीईटी का स्कोर कार्ड, ये पीईटी 2023 से है, तो बहुत सारी देवियां क्योंकि पीईटी 2023 दी ही नहीं है तो वो फॉर्म भर नहीं पाएंगी। और ऐसे में अगर इस बात पे चर्चा किया जाए कि इस बार टोटल कितने फॉर्म आ सकते हैं, जैसे पिछली बार अगर बात किया जाए कि एएनएम की जो मुख्य परीक्षा थी, जिसे एएनएम की परीक्षा बोला जाता है, पीटी के अंतर्गत होता है, उसमें 19,000 महिला अभ्यर्थी ने केवल क्या किया था, आवेदन किया था, और 19,000 महिला अभ्यर्थियों में 8,000 का क्या हो गया था, सिलेक्शन हो गया था, क्योंकि कुछ उसमें फर्जी भी थे, कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में काफी संख्या में छठे हो गए और उसके बावजूद भी करीबन 8,000 बच्चों को सिलेक्ट किया गया था, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे तो 9,200, आप ये सोचो पिछली बार में 9,212 पदों के सापेक्ष में जो टोटल आवेदन आए वो लगभग 19,000 आवेदन आए थे, जिसमें से 8,800 समथिंग, इसे 9,000 ही मान के चलो, 300-400 बच्चों का केवल नहीं आया था किसी कारणवश, तो इन सारे बच्चों का क्या हुआ था 8,800 के 8,800 के आसपास मान के चलो, ये बच्चियां क्या हुई थी, ये सारे लोग सेलेक्ट हुए थे। और ये सिलेक्शन किस पे लिए थे कि जो अनारक्षित मतलब कि जो जनरल कैटेगरी था, इसका जो अंतिम प्राप्तांक था वो 50 नंबर था। 50 नंबर बहुत कम नंबर होता है, मैं आप सभी को बता दूं कि ये 50 जो नंबर था ये कितने नंबर में से था, ये 100 नंबर में से था। ऐसे जो अनुसूचित जाति है या उनके कितने थे, 35 नंबर थे, और अनुसूचित जनजाति की बात किया जाए तो 13.7। अनुसूचित जाति मतलब आपका SC हो गए और अनुसूचित जनजाति मतलब ST हो गए, और अगर OBC की बात किया जाए तो 42.5, तो 42.5 किसके गया था, OBC का गया था। ऐसे ही बात करें अगर EWS का, तो ये चौंकाने वाला था, EWS का मात्र कितना गया था, 3 नंबर आपका कट ऑफ गया था। तो कारण ये था क्योंकि महिलाएं अक्सर क्या होती हैं इस चीज में सजग नहीं रहती, और EWS लड़के जो होते हैं वो तो सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं, बट जो लड़कियां होती हैं, महिलाएं होती हैं, वो EWS सर्टिफिकेट इतनी जल्दी बनवा नहीं पाती। तो EWS में अभ्यर्थी कितने थे, बहुत कम थे, इस कारण से कट ऑफ यहाँ पे केवल मात्र 3 नंबर गया था। आप सोचिए 100 में 3 नंबर, मतलब कि आप एग्जाम में जाइए, बैठिए, 4-5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन तुक्का लगाइए, उसमें 2-3 आपके सही हो जाए और आप सेलेक्ट हो जाइए, कुछ इस प्रकार से था, मतलब पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं थी। क्या इस बार भी ऐसा ही सीन है कि बिना पढ़े आपका सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं, इस बार ऐसा नहीं है, क्योंकि इस बार थोड़ा सा सोच के चलिए कि पिछली बार क्या था कि पीटी, क्योंकि प्रथम बार पीटी से ये पेपर हुआ था, बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं था कि इसमें पीटी मांगा जाएगा, और बहुत सारे लोगों ने, खासकर जो एएनएम की हुई लड़कियां होती हैं, वो ऑलरेडी उस डिपार्टमेंट में चली जाती हैं, किसी हॉस्पिटल को ज्वाइन कर लेती हैं, कहीं पे नर्सिंग का कोर्स करने लग जाती हैं, नर्सिंग की प्रैक्टिस करने लग जाती हैं, तो उनमें जो UP SSC की तरफ से पीटी एग्जाम होता है, बहुत कम लोग इसके लिए जागरूक होते हैं देने के लिए। उसमें से कुछ, जैसे किसी के घर में कोई भाई तैयारी कर रहा है, किसी के घर में कोई बड़ा भाई तैयारी कर रहा है, छोटा भाई कर रहा है, कोई कजिन में तैयारी कर रहा है, कोई दोस्त कर रहा है, तो वो क्या करते हैं कि भाई लोग चलो तुम आपाकी की भी तैयारी कर रहे हो, एएनएम तो साथ में है ही है, तुम और भी चीजों की तैयारी करते रहो, तुम पीटी दे दो क्योंकि यहाँ से चांसेस है आने के। तो तब क्या हुआ था, तब भर लिए थे, उसमें से वो भी कितने, मात्र 19-20 हजार।
इस बार क्या हुआ, जब पिछली बार एएनएम की वैकेंसी आई तो बहुत सारी बच्चियों को लगा, बहुत सारी जो महिला अभ्यर्थी थी उनको ये लगा कि अरे भाई हमारा पीटी होता तो हम भी आवेदन कर सकते थे, और उन्होंने आवेदन नहीं कर पाए। तो वो बाद में क्या हुआ कि दोबारा एएनएम की भर्ती आए तो कहीं चांस ना मिस हो जाए, उन्होंने क्या किया पीटी किया, और पीटी में अब भले ही नंबर हो, जैसे इसके बाद क्या होता है शॉर्ट लिस्टिंग होता है, तो बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि सर शॉर्ट लिस्टिंग पीटी में कितने नंबर हो तो हमारा काम बन जाए। तो अगर पीटी में आपके जीरो से नंबर से ज्यादा आ रहे हैं तो आप सभी लोग एएनएम की तैयारी कर दो, क्योंकि इस बार भी अगर देखा जाए कि 8000 बच्चे तो ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुके हैं ना, अब जो बच्चे होंगे पिछले 19000 में आपके 6-7000 बच्चे, वो बच्चे होंगे 8000-9000 मान लीजिए, या 10000 मान लीजिए, 10000 पिछले बच्चे बचे होंगे, और जो नए बच्चे फिर से पीटी दिए होंगे जिनके पास एएनएम की सर्टिफिकेट होगा, मान के चलो बहुत ज्यादा होंगे तो 10-20000। तो इस बार जो केस बन सकता है कि लगभग 30000 बच्चे इस बार आवेदन कर सकते हैं एएनएम के लिए, जो पिछले बार की संख्या 19000 थी, 30 से बहुत ज्यादा जाएगा तो 35000, इससे ज्यादा इस बार भी जाने के चांस नहीं है। तो पीटी का कट ऑफ क्या इस बार बढ़ेगा, यानी पीटी के शॉर्टलिस्टिंग का कट ऑफ बढ़ेगा? देखिए शॉर्टलिस्टिंग का कट ऑफ नहीं बढ़ेगा, क्योंकि 5000 क्या होते हैं, 5000 आपको मैं एक मोटे मोटा मोटा बता दूं आपको कि आपके पास 5200 वैकेंसी है, 5200 को आप एक राउंड फिगर में 5000 मान लो, और यूपी ट्रिपल एससी क्या करता है कि नॉर्मलाइजेशन के 0.2 अंक तक बुलाता है, और कितना बुलाता है 15 गुना बुलाता है, तो क्योंकि 2 अंक बाद बाकी 3 अंक रिपीटेड हो जाते हैं तो ये 15 गुना नहीं होके 30 गुना हो जाता है, अगर 30 गुना अगर हम 5000 का ले लें तो 5-3-15 यही हो जाते हैं, मतलब कि आपके 150000 बच्चे क्या हो सकते हैं इसमें आ सकते हैं। तो 150000 में मैं कह रहा हूँ 30000 बच्चे होंगे, या 30 का मान लो 40 हम लोग, अरे मैं कह रहा हूँ कि सबके सब जितने लोग एएनएम किए होंगे सब पीटी दे दिए होंगे तो भी ये 50000 से ज्यादा किसी कीमत पे नहीं जाएगा, और ऐसी दशा में क्योंकि वो 1.5 लाख बच्चों तक लेने का केस है तो पीटी की जो शॉर्ट लिस्टिंग होगी, आप लोग ध्यान से सुन लो, पीटी में जो आपके क्या होंगे पीटी शॉर्ट लिस्टिंग, जिनके भी नंबर आपके क्या आ रहे हैं, जिन्होंने बस पीटी जाके दिया हो, पीटी जो 2023 आपने दिया हो, नंबर क्या आ रहे हैं डजंट मेक एनी डिफरेंस, आप सभी लोग इसके लिए एलिजिबल रहोगे, इस बात की गारंटी है। अब रही बात की फाइनल कट ऑफ आपका कितना जाएगा, तो आप एक बार सिलेबस देखोगे और आप पैटर्न देखोगे कैसा पेपर पूछा जाता है, तो पेपर इतना आसान भी नहीं पूछा जाता, ये आपका सिलेबस है, सिलेबस में आपके 38 टॉपिक हैं, इनको आपको पढ़ना पड़ेगा। और अभी हाल में ऐसे ही एक पेपर हुआ मुख्य सेविका का, उसमें भी बच्चियों के नंबर काफी अच्छे थे, वो भी केवल महिलाओं के लिए वैकेंसी थी, तो उसमें भी 100 नंबर का था, लगभग सिलेबस आपका सेम था, तो उसमें जो महिला अभ्यर्थी थी उनके 55, 60, 62, 65 नंबर एक जनरल नंबर था, मतलब इतना नंबर आराम से आया था। तो इस बिहाफ पे ये बोला जा सकता है कि इस बार 50 तो नहीं, लेकिन इतना भी नहीं कि बहुत ज्यादा जाएगा, तो इतना कम भी नहीं जाएगा कि भाई जितना पिछली बार गया था, ये मान के चलिए कि आप सभी लोग जो इस बार टारगेट करते हो, जो इस बार आप लोग सेफ स्कोर के लिए सोच रहे हो, तो आप लोग सेफ स्कोर क्या मान के चलोगे, आप लोग सेफ स्कोर मान के चलोगे क्या, सेफ स्कोर मान के चलोगे कि आपका कम से कम 60% से ज्यादा, 60% मतलब कि 100 नंबर में आपको 60 प्लस नंबर लाने होंगे, और 60 प्लस नंबर लाने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कुछ आपके ऐसे टॉपिक हैं, जैसे आपका गर्भपात हो गया, जैसे गर्भधारण हो गया, है ना, जैसे गर्भधारण हो गया, प्रेगनेंसी हो गया, तो इन सारे टॉपिक हो गया, जैसे आपके क्या हो गया नवजात हो गया, जैसे आपका क्या नवजात जिसमें आपका क्या हो गया जिसमें शिशु हो गया, तो ये सारे टॉपिक आप केवल पढ़ लेते हो, और फिर एएनएम के कार्य और दायित्व, एएनएम के कार्य और दायित्व, अगर ये टॉपिक 4 आप पढ़ लेते हो तो आप इतने नंबर के करीब पहुंच जाओगे, क्योंकि अगर 100 नंबर में बात किया जाए तो यहाँ पे गर्भधारण गर्भपात वाले टॉपिक से लगभग आपके 20 प्लस क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं, नवजात से लगभग 15 प्लस क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, शिशु से भी लगभग 10 प्लस क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और एएनएम के कार्य से भी लगभग 15 प्लस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 15, 15, 30, 10, 40, 40, 20, 60 आप देखो यहाँ पे इन 4 टॉपिक से पहुंच गए हो। इसके बाद अगर आपको कुछ पढ़ना है तो मेरे ख्याल से आप केवल क्या पढ़ लो, आप ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ लो, आप क्या पढ़ लो ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ लो, तो ये अगर जो मानो शरीर की संरचना है, मैं अगर हिंदी में इसे लिख दूं तो मानव शरीर की जो संरचना होता है, ये टॉपिक आप पढ़ लोगे तो आपका क्या हो जाएगा, आपका कोई भी आपका सिलेक्शन रोक नहीं पाएगा, ये टॉपिक आपके 5 से 7 नंबर पूछे जाते हैं। तो एक बार मैं आपको दिखा दूं कि टॉपिक डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से होता है, किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, मैं पूरा आपका सिलेबस के जो 38 टॉपिक है उस 38 टॉपिक को 8-9 टॉपिक में किया हूं। जैसे एक आपका फूड एंड न्यूट्रिशन आप नहीं पढ़ रहे हो, दवाइयां नहीं पढ़ रहे हो, आप फिर ह्यूमन फिजियोलॉजी नहीं पढ़ रहे हो मानव संरचना, तो आप ये टॉपिक पढ़ लो, क्योंकि 8 नंबर आपको कहां से मिल जाएंगे, 8 नंबर आपको इसी टॉपिक से मिल जाएंगे। ऐसे ही बात किया जाए तो एएनएम और कार्य के यहाँ पे देखिए 13 पिछली बार पूछा गया था, 13 से 15 इस बार भी पूछा जाएगा। ह्यूमन फिजियोलॉजी की केवल यहाँ पे पिछली बार 4 था, बस इस बार पूछा जाने के चांसेस ज्यादा है।
स्वच्छता रोग उपचार, ये भी कोई कठिन टॉपिक नहीं है, 11 क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। ऐसे अगर हम लोग बात करें कि दवाइयां उपचार घरेलू उसके, यहां से भी आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस टॉपिक को भी आप पढ़ सकते हो। तो मैंने चार टॉपिक आपको बताया, गर्भावस्था गर्भपात आपको बताया, नवजात शिशु स्तनपान बताया, किशोरावस्था बताया, ये तीन टॉपिक हो गया। और इसके बाद आप क्या करो, एएनएम के कार्यदायित्व, चार ये टॉपिक पढ़ लो, और चार टॉपिक पढ़ने के बाद आप दवाइयां उपचार पांचवें टॉपिक ये अच्छे से पढ़ लो, और छठवें टॉपिक आपका स्वच्छता रोग उपचार। तो ये मैंने आपको देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि इसमें आपके कौन कौन से टॉपिक है, ये टॉपिक दे दिया हूं, आप शुरू से देख लीजिए। मैं पेज नंबर 1 से यहाँ पे फूड न्यूट्रिशन में आपकी सिलेबस का पॉइंट नंबर 5, 7, 8, 9 जैसे आप सिलेबस देखोगे तो सिलेबस में पॉइंट नंबर जो 5 दिया है, सिलेबस में पॉइंट नंबर 5 दिया है, तो 5 के स्वास्थ्य कार्यकर्ता के कार्य एवं दायित्व, ऐसे आपका 7 हो गया समुदाय में लोगों की सलाह, ऐसे आपका 8 हो गया स्वास्थ्य के लिए पोषण की आवश्यकता, ऐसे 9 हो गया खाद्य पदार्थों का पोषण। तो इन सबको मिला के मैंने एक यूनिट बना दिया फूड एंड न्यूट्रिशन, जिसमें आपको पढ़ना एक ही चीज है, बस टॉपिक आपके अलग अलग है। तो सिलेबस की ये चार टॉपिक आपका केवल एक टॉपिक पढ़ने से कवर हो जाता है, तो आप ये पढ़ लो। ऐसे ही आपका एएनएम एंड देयर वर्क में, एएनएम उनके कार्य और दायित्व में 3, 6, 11, 17 और 18 सिलेबस का ये टॉपिक पढ़ लोगे तो ये टॉपिक आपका कवर हो जाएगा। ऐसे ही अगर आप क्या करते हो, आप यहाँ पे दवाइयां उपचार में टॉपिक नंबर 20, 33, 34 और 35 कवर हो जाएगा। ऐसे अगर आप क्या पढ़ लेते हो, गर्भावस्था गर्भपात, तो इसमें सिलेबस का 10, 21, 22, 24, 26, 27, 29, 37, 38 ये कवर हो जाएगा। तो आपको 38 टॉपिक नहीं पढ़ने हैं, आपको जो मैंने ये बताया है क्लासिफाई करके दिया है आपको ये पढ़ना है, और अगर इतना पढ़ लेते हो तो आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं पाएगा। तो टीम परीक्षा प्लस इसके लिए भाई बहुत बेहतरीन कोर्स चला रही है, यहाँ पे एएनएम का नया बैच अभी मात्र ऑफर में 499, बाद में इसका फीस बढ़ जाएगा जैसे ही आपके रजिस्ट्रेशन ओपन होंगे, तो अभी आप लेट मत करिए, अभी आप इससे जुड़ सकते हैं। इसमें तमाम टीम, शायद ही कोई ऐसी टीम होगी जहां पे आपको एक कोर्स के लिए 100 नंबर सिलेबस के लिए जिसमें सिमिलर टाइप में है 5 टीचर को दिया जा रहा है, तो 5 टीचर में जिसमें आपको कुछ पार्ट में ही मैक्सिमम पढ़ाऊंगा, आशीष सर, रमन सर, सर्वेश और नवीन सर, सबसे बेस्ट फैकल्टी जो है वो आपको दिया गया है मात्र 499 में। ये वन टाइम फीस है, मतलब आपको इसके अलावा कोई फीस नहीं देनी है, और जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाएगा तब तक आपके कोर्स में ये बैच रहेगा। आप खरीदने के लिए परीक्षा प्लस ऐप डाउनलोड करोगे जिसके लिंक इसी वीडियो के सबसे ऊपर है डिस्क्रिप्शन में। आप पेड कोर्स पे जाओगे, आपको यहाँ पे एएनएम दिखाई देगा, आप एएनएम पे यहाँ पे आएगा आपका डेमो का ऑप्शन, और यहाँ पे फिर आएगा बाय नाउ, यहाँ पे आएगा डेमो का ऑप्शन और यहाँ पे आएगा बाय नाउ, तो आप बाय नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे पेमेंट आ जाएगा। पेमेंट करके आप फिर से इसी कोर्स पे जाके व्यू कोर्स कर सकते हैं, या जब आप पेमेंट कर देंगे तो आपके माई कोर्स में ये बैच आ जाता है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। यहाँ पे जब आप व्यू कोर्स पे क्लिक करेंगे तो आपका अगला पेज आ जाएगा जहाँ पे जो लाइव क्लास चलती है यहाँ पे दिखाई देता है। जो क्लास लाइव हो जाती है वो रिकॉर्डेड फॉर्म में, जैसे अगर आपकी क्लास छूट जाती है तो रिकॉर्डेड फॉर्म में ये अवेलेबल हो जाता है, ये नया बैच है इसलिए यहाँ पे है, और इसीलिए आपको ये वीओडी बैच जो पुराना बैच था इसी में दे दिया गया है। इसे आप थोड़ा सा क्या करोगे, खिसकाएंगे, थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो आपका टेलीग्राम आएगा, यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएंगे जहाँ पे आपकी सारी समस्याओं का समाधान किया जाता है। आप डाउट यहाँ पे पूछ सकते हैं, आपके सारे जो डाउट हैं सेक्शन में माई डाउट में यहाँ पे दिखते हैं, और उसके बाद आपका नेक्स्ट पेज पे आएगा वीओडी वन, और इसमें आपके जो पुराने बैच है ये भी फ्री में दे दिया गया है, मतलब नए सारे अभ्यर्थियों को जो नया बैच खरीदेंगे उनको पुराना बैच, मतलब 499 की फीस में दो दो बैच आपको मिल जा रहे हैं, नया और पुराना दोनों बैच मिल जा रहे हैं। तो आप पुरानी भी चीजें पढ़ सकते हो, आप नई भी पढ़ सकते हो, सब कुछ आपका बेहतर तरीके से यहाँ पे कवर कराया गया है। तो इसे परचेज करने के लिए जैसे आप अभी देखोगे कि आपको नोट्स, तो पीडीएफ नोट्स पे आप क्लिक करोगे तो आपका ये ओपन हो जाएगा, डेमो हो गया, रोग हो गया, गर्भधारण, गर्भावस्था, जन्म, प्रसव, गर्भपात, इन टॉपिक्स इसमें लगे हुए हैं। शगुन गर्भावस्था है, आवश्यक जानकारी, शगुन कार्ड वगैरह होता है वो इसमें दिया है, स्वास्थ्य एजेंसियां दिया है, नवजात शिशु की देखभाल, टॉपिक वाइज आपके नोट्स लगे हैं। और ऐसे अगर आप कोई क्लास देखना चाहते हो, जैसे सपोज करो कि आपको देखना है ये, आपको देखना है कि मानव शरीर की संरचना, तो आप इस पे क्लिक करोगे तो आपका आ जाएगा ये ह्यूमन बॉडी, आ गया ह्यूमन बॉडी का लेक्चर 1, 2, 3, 4 आपका, फिर न्यूट्रिशन स्टार्ट हो गया, तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसमें आप वॉच पे क्लिक करके वीडियो देख सकते हो किसी क्वालिटी में, और व्यू पीडीएफ में उस क्लास की पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। तो देर मत करिए, आप लोग इस बैच से अभी आज जुड़िए, अभी ऑफर में चल रहा है मात्र 499, और बेहतर तैयारी आप स्टार्ट करिए। इससे संबंधित और भी कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा। टीम परीक्षा प्लस आपकी तैयारी के लिए बिल्कुल कमर कस ली है, क्या आप भी तैयार हैं, एक बार मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर मिलूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, आभार।